इसमें तो कोई वो ज्यादा बोलने का नहीं, बहुत बड़ा पाखंडी है नरेंद्र मोदी। चाय वाला बन गया, चाय वाला गायब हो गया, वो चाय वाला आज भी अपनी दुर्दशा पे रो रहा है इस देश का। अब चौकीदारों पे डोरे डाल रहा है कि चौकीदारों तुम्हारा अपमान हुआ। एक सिंबॉलिक शब्द है, ये जुमला नहीं है, चौकीदार चोर है, ये सिद्ध हो गया। इस देश का सबसे बड़ा चौकीदार चोर निकला राफेल की डील में, 30,000 करोड़ का लाभ अनिल अंबानी को दिया है। तो चौकीदार चोर शब्द जो आया तो थोड़े विचलित हुए और सारे चौकीदारों को संबोधित करने लग गए। अब वो एक हमारे मणिशंकर ईयर जी ने एक बार कुछ नीच बोल दिया था, उनको कुछ धनराशि ले ली होगी, नीच बोल दिया था। तो अब भैया नीच को ढूंढ के ला, नीच की मीटिंग ले, चौकीदारों को संबोधित कर रहा था तो नीच बोल। कांग्रेस को उम्मीदवार चाहिए, मेरा बेटा कोई उसे टिकट तो मिल नहीं गया। वरिष्ठ नेता बड़ा सोच समझ के टिकट का निर्णय करते हैं, जिस तरह वहाँ कर रहे हैं उस तरह इंदौर का भी निर्णय करना चाहिए। मेरा ये लड़ना चाहिए, अच्छे पद्मश्री अवार्डेड है और कबीर के भजन गाते हैं, तो हर तरह के व्यक्ति को हमें तो महात्मा लोगों की भी जरूरत है, भजन गाने वालों की भी जरूरत है, राजनेताओं की भी जरूरत है। सरस्वती है सत्यनारायण सत्तन के, और वो जो कहते हैं सत्य कहते हैं, उन्होंने ताई को आगाह कर दिया कि हम आप बार बार लड़ोगी तो इस बार यदि आप लड़ी तो मैं आपके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। और मैं समझता हूँ कि सत्यनारायण सत्तन इस इंदौर शहर में, पुराने शहर में, घर घर में बड़ी इज्जत है, उनका बड़ा आदर है, उनका बड़ा सम्मान है। कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ा। कांग्रेस से जीतू पटवारी और अर्चना जायसवाल टिकट की मांग कर रही हैं। नहीं, जीतू पटवारी कोई टिकट की मांग नहीं कर रहे हैं, ये नीतिगत निर्णय पहले हो गया है कि कोई भी विधायक चुनाव नहीं लड़ेगा, ये तय हो गया है, वो टिकट नहीं मांग। अर्चना जायसवाल की हम उम्मीदवार कोई भी हाईकमान भेजे हमारे बीच में, लेकिन नीचे के कार्यकर्ताओं की तैयारी इतनी रहना चाहिए कि जो भी उम्मीदवार आए उसे एकदम से स्मूथ वातावरण मिले, उसे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। हमारे नीचे स्तर का कार्यकर्ता सजग होकर अपने वार्डों में, अपने गली मोहल्ले में लग जाए, ये आज इस बात की हमने कार्यकर्ताओं से अपील की है। और हमने ये कहा कि 31 मार्च को एक बड़ी बैठक जिसमें वार्ड से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हम एक किसी भी बड़ी जगह पर हम खाना भी दे रहे हैं, उनसे 1-to-1 बात भी करेंगे, एक बड़ी सभा होगी वो कार्यकर्ताओं को समझाइश देने की। तो ये आज आगाज हो गया लोकसभा चुनाव। मतलब आपने पिछले दिनों कहा था कि इंदौर की सीट को हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया, कांग्रेस ने कभी गंभीरता से। मैंने ये कहा कि इंदौर की सीट के साथ साथ कई सीटों को गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता, इसका परिणाम होगा कि 8-8 बार सुमित्रा ताई जैसी नकारा व्यक्तित्व की धनी इंदौर से चुनाव जीत के चली गई। इसलिए मेरा ये कहना था कि हमें बड़ी गंभीरता के साथ, पहली बात तो ये कि हम चुनाव के 3 महीने रह जाते हैं जब प्रत्याशी ढूंढने निकलते हैं, क्यों नहीं कांग्रेस कमेटी तैयारी करवाती है 2-2-3-3 लोगों से कि आप लोग फील्ड में रहिए, आप तीनों में से किसी को टिकट मिलेगा, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जिसके प्रति जनता सजग होगी उसको टिकट देंगे। तो गंभीरता तो लाना पड़ेगी, तभी हम अच्छे उम्मीदवार का सोच सकते हैं। आडवाणी की दुर्दशा को लेकर क्या कहेंगे साहब? हाँ, मैंने आज अपने भाषण में कहा है कि इंदौर में सत्यनारायण सत्तन, दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे लोग जिन्होंने अपने खून और पसीने से भारतीय जनता पार्टी को सींच के आज वट वृक्ष बनाया है, उन लोगों की दशा मैं समझता हूँ कि ये वो कहानी हो गई कि एक व्यक्ति जिसके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, पाल पोस के वो माँ बाप बड़ी उम्मीद से उसे बड़ा करते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं, लेकिन जब वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाता है अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देता है, वही कहानी आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सत्यनारायण सत्तन जैसों के साथ दोहराई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि अपने पूर्वजों को, निशाओं को मिटा दो। कांग्रेस उसमें की पार्टी है कि अपने पूर्वजों को, निशा को अंत तक जीवित रखो। लोकसभा चुनाव की हर खबर जानने देखने के लिए आप देखते रहिए एमपी तक। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।